आइए दोस्तों सीखते हैं कैसे देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे विजुलाइज करेंगे। दोस्तों व्यू को समझने का मतलब है हम उस टाइप के पैटर्न को समझेंगे जो हमसे काफ़ी जगह पे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो व्यू जो है वो हमें काफ़ी है अगर हम रीजनिंग टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करें। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले रहा हूँ 1/4, फिर 1/4 स्क्वेयर, 1/4 क्यूब, 1/4 की पावर 4, इस तरह सो ऑन में लेता चला जा रहा हूँ। इसको मैं दोस्तों कैसे विजुलाइज करूँगा, मतलब ये दिखने में कैसा होगा। ये तो नंबर है बट ये दिखने में कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जितना भी नंबर है, जैसे कि 4 नंबर है, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर हम गौर करेंगे, यहाँ पर नंबर क्या है 1/4। दोस्तों कौन सी ऐसी शेप है जिसमें मेरे को 1/4 बहुत ही अच्छी तरीके से व्यू हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शेप लेता हूँ स्क्वेयर की और मैं इसको दोस्तों इसके 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो देखिए मेरे को कितनी आसानी से 1/4 व्यू हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस फिगर को लेके क्या अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये 1/4 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जो 1/4 होगा वो क्या चीज़ होगी मुझे ये बताइए। देखिए दोस्तों 1/4 का मतलब होता है ये पूरा जो एरिया है इसका 1/4 आप कर दो। कैसे करोगे, ये पार्ट जो है दोस्तों वो इसका 1/4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो ये हो गई, ये 1/4 की विजुअलाइजेशन है 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको व्यू कर लिया। अब दूसरा जो टर्म है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 1/4 स्क्वायर, वो किससे बना, 1/4 1/4 को अगर मैं फिर से 4 टाइम्स कर दूँ, इसका मतलब ये जो 1/4 हिस्सा है इसका मैं 1/4 फिर से कर दूँ। कहने का मतलब अगर मैं इस पार्ट को इस तरीके से 1/4 कर दूँ, मतलब 1/4 का भी 1/4 हिस्सा, मतलब के ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/4 स्क्वायर। ठीक है, हमने सेकेंड टर्म भी देख ली। अब थर्ड टर्म में देखिए गौर कीजिए दोस्तों क्या है, 1/4 का स्क्वायर उसका भी 4th टाइम, इसका मतलब ये जो हिस्सा है गौर कीजिएगा दोस्तों इसका भी 1/4, यहां पर ये कर दिया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये 1/4 क्यूब हो गया। इस तरीके से मैं फर्दर इस वाले स्क्वायर को भी 1/4 कर दूंगा और ये पार्ट ले लूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों 1/4 का 4। इसका मतलब इस तरीके से मैं 1/4 को डिफरेंट जो टर्म्स हैं इसमें उसको रिप्रेजेंट करता हूं इस स्क्वायर के फर्दर फॉर्म में। ये देखिए दोस्तों एक खूबसूरत पैटर्न बनता चला जा रहा है यहाँ पे, और इसी टाइप का कोई पैटर्न एग्जाम में रखा होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे कि ये जो पैटर्न है ये इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज से बिलोंग करता है। ये हमें पावर मिलती है अंडरस्टैंड करने में मैथमेटिक्स को विजुअलाइज फॉर्म में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को व्यू करना, क्योंकि तभी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और चीज़ देखते हैं, और एग्जांपल करते हैं इसी फॉर्म में। दोस्तों इसी तरह से एक और सीरीज लेते हैं 1/3 के फॉर्म में। सेकेंड टर्म होगी 1/3 स्क्वायर, थर्ड टर्म होगी 1/3 क्यूब, फोर्थ टर्म होगी दोस्तों 1/3 की पावर 4, ऐसे चलती चली जाएगी, बट हम फर्स्ट टर्म से ही शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी फिगर है, जैसे मैंने पीछे आपको स्क्वायर लिया था 1/4 के केस में, 1/3 के केस में कौन सी ऐसी फिगर है जो बेस्ट 3 पॉइंट्स को और 3 हिस्सों को रिप्रेजेंट करे। दोस्तों नथिंग बट ट्राइंगल ही एक ऐसी बेस्ट फिगर है। इसी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा सा ट्राइंगल बना लेते हैं और कोशिश करेंगे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाएं, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल मिलेंगी तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों इस तरीके से मैं 1/3 हिस्सा बना सकता हूँ। क्या होगा मेरा 1/3 पार्ट, गौर कीजिएगा दोस्तों, 1/3 पार्ट मेरा ये होगा, ये वाला पार्ट मेरा 1/3 होगा। तो उसको मैं कह सकता हूँ दिस इज 1/3। तो ये फर्स्ट टर्म मैंने बना ली। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है 1/3 स्क्वायर, वो क्या है, वो 1/3 का भी 1/3 है। इसका मतलब वो इस तरह 1/3 स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब 1/3 स्क्वायर इस तरह से बनता है, 1/3 हिस्से का भी 1/3 पार्ट। इसका मतलब अगर जो मेरे पास अंदर वाला सर्कल है मैं उसको अगर इस तरह से विजुअलाइज करूं तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी देखिए, ये 1/3 का भी 1/3 है। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 1/3 स्क्वायर। इसका मतलब मैंने सेकंड वाला जो
टर्म है वो भी दोस्तों बना दी, सेकंड टर्म भी। दोस्तों 1/3 क्यूब को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे देख लेते हैं। 1/3 क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, 1/3 स्क्वायर का भी 1/3 पार्ट। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसका 1/3 हिस्सा करूं तो ये चीज मुझे मिल जाएगी दोस्तों 1/3 क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1/3 क्यूब दोस्तों। तो इस तरीके से मैं दोस्तों ये सारी टर्म्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर से अगर मैं फर्दर 1/3 की पावर 4 करना चाहूँ फिर भी बना सकता हूँ। कैसे, ये बना दूंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा 1/3 की पावर 4। दोस्तों इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम बना सकते हैं 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 4। तो ये ट्राइंगल जो है वो मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बेस्ट वे होता है दोस्तों किसी भी 103 पॉइंट को जो डायग्राम बना पाता है वो ट्राइंगल ही है। तो इस तरह से हम दोस्तों ट्राइंगल की और 1/3 जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए दोस्तों और एक हम सीरीज ले लेते हैं 1/2 की। जैसे 1/2 ले लेते हैं, फिर 1/2 स्क्वेयर ले लेते हैं, फिर 1/2 क्यूब ले लेते हैं, फिर 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 कर लेते हैं। फर्स्ट हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों, 1/2 को बेस्ट वे है अंडरस्टैंड करने का कि हम उसको एक स्क्वेयर या रेक्टेंगल फॉर्म में ले लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिकली स्क्वेयर ही बना लेते हैं, बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है उसको अंडरस्टैंड करने का। इसको बनाने के बाद दोस्तों जो 1 होगा अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, जो फर्स्ट टर्म है वो तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वेयर ही हो गया। 1/2 इसका मतलब 1 फर्स्ट टर्म मैंने बना ली। 1/2 बनाना है तो मैं इसका हाफ कर दूंगा, 1/2 मतलब हाफ होता है। ये दोस्तों बन गया 1/2। इसको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ये पूरा पार्ट बन जाएगा दोस्तों, सो 1/2। अब मुझे बनाना है, इसका मतलब ये बना लिया, ये बना लिया, अब मुझे बनाना है 1/2 स्क्वेयर। इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है 1/2 स्क्वेयर क्या होता है, 1/2 का हाफ का भी हाफ। इसका मतलब ये हाफ हिस्सा है, इसका अगर मैं हाफ करूंगा फर्दर मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलने वाला है दोस्तों। इसका मतलब अगर मैं देखूं ये मुझे मिल जाएगा 1/2 का भी 1/2, हाफ का भी हाफ फॉर्म तरह से बन जाएगा, ये मिलेगा मुझे 1/2 स्क्वेयर। फर्दर मैं 1/2 की पावर 3 करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, ये 1/2 का स्क्वायर है उसका भी हाफ पार्ट, मतलब इसका भी हाफ पार्ट, इस पार्ट का भी हाफ पार्ट। वो क्या हो जाएगा, बना लेते हैं एक बारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। तो ये भी बना लिया हमने, इसका मतलब क्या हो, ये हाफ 1/2 की पावर 2 का भी हाफ हो गया इस तरीके से। फर्दर हम, हमारे पास जो हाफ बचा हुआ है उसको हम बनाएंगे एक और हाफ के फॉर्म में, और वो कैसा दिखने लगेगा मुझे, वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, क्योंकि ये क्या हो गया, 1/2 की पावर 3 का भी हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, फर्दर हम इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहेंगे और ये वाले पार्ट्स को बनाते रहेंगे। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5। तो इस तरीके से हम दोस्तों ये सारी की सारी चीजें विजुलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपके सामने एक व्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जीपी की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग थी वो इसी तरीके से थी। हमने बेसिकली जो मैथमेटिकल सीरीज थी उसको व्यू फॉर्म में उतार लिया और फर्दर दोस्तों उसके जो पार्ट थे उसको ब्रेक कर करके हमने बताया कि वो किस तरह से दिखेंगे, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सो आई होप आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।